हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत के बारे में, क्योंकि आयुष्मान भारत की तरफ से लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति दिया जा रहा है, जिसमें सभी जो प्रशिक्षार्थी या जिनका क्लास 12 पास है उनको ही नियुक्ति दिया जा रहा है। तो लगभग इस वीडियो में हम उस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया था सितंबर में शुरू होगा, और ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सितंबर में दूसरा हफ्ता में शुरू होने वाला है। तो सितंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, इस वीडियो को हम देख लेते हैं, उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है और इसमें एलिजिबिलिटी और उसमें किस तारीख को या कोई सारे डिटेल्स यहाँ पे निकल कर आया है। तो लगभग इन सारे डिटेल्स को लेकर हम आपसे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने जितने सारे फ्रेंड हैं, जितने सारे लोग आयुष्मान भारत में काम करना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें। तो समय न गुजरते हुए इस वीडियो को देख लेते, उसके बाद और कुछ डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें और साथ में आने वाली जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें। तो आप यह पे देख सकते हैं, आयुष्मान मित्रों के 1 लाख पदों पर है रही है भर्ती, 12वीं पास वाले करें अप्लाई। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देखने से आपको मालूम होगा जो खबर आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत जब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत लाखों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यह भर्ती आयुष्मान भारत योजना के सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाएगी। मिली हुई जानकारी के अनुसार अगले 5 साल में 2 लाख पदों पर भर्तियाँ की जा सकती है। तो आगे चलकर और कुछ डिटेल देख सकते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 लाख आयुष्मान मित्रों की भर्ती के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। एक अधिकारी ने बताया, सभी सूचीबद्ध अस्पताल में रोगियों की सहायता के लिए आयुष्मान मित्र होंगे जो लाभार्थी और अस्पताल के बीच समन्वय करेगा। तो आप डिटेल्स और कुछ देख सकते हैं क्या होगी योग्यता, जो डिटेल्स एलिजिबिलिटी के बारे में है आयुष्मान मित्रों के, उन पर पदों पर जो योग्यता बताया गया है, पदों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होगी। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं होगी, हालांकि 30 साल के आसपास के लोगों की वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। तो आगे चलकर देख सकते हैं कैसे होगा सिलेक्शन का जो सिस्टम है यहाँ पर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार आयुष्मान मित्रों की सीधी भर्ती नहीं करेगी, इसके लिए सरकार उन कंपनियों से मदद लेगी जो मैन पावर सप्लाई का कार्य करते हैं। इसके बाद इन कंपनियों का चयन बीडिंग के आधार पर किया जाएगा। अलग अलग इलाकों में बीडिंग के जरिए कंपनियों को यह काम दिया जाएगा। बीडिंग में सफल होने वाली कंपनी ही स्वास्थ्य मित्र की भर्ती करेंगी। आने वाले हफ्ते में कंपनियों को टेंडर जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में कंपनियों का चुनाव हो जाएगा, वहीं दूसरे हफ्ते में आयुष्मान मित्रों की भर्ती शुरू होगी। अगर कोई आयुष्मान मित्रों की बनना चाहते हैं तो उसे पहले इन कंपनियों से कॉन्टेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको ये आयुष्मान मित्रों में काम करना है उनका सितंबर के पहले हफ्ते में कंपनियों का चुनाव हो जाएगा, दूसरे हफ्ते में आयुष्मान मित्रों की भर्ती शुरू हो जाएगी। तो इनको क्या करना होगा, आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं तो से पहले इन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि कौन कौन सा कंपनी है, हम दूसरे वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, और दूसरे वीडियो में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि दूसरे हफ्ता तो अभी चल रहा है, आप उसको कैसे ऑनलाइन आवेदन कर देते। तो आप यहाँ पे कुछ डिटेल जान लो, उसके बाद आपको अप्लाई करना और ऑनलाइन अप्लाई करना, कुछ डिटेल जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सैलरी की बात है, सैलरी आप देख सकते हैं, खबरों की मान्यता योजना के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों दोनों में करीब 1 लाख आयुष्मान मित्रों की तैनात किया जाएगा। आयुष्मान भारत के लिए चयनित किए गए आयुष्मान मित्रों को 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी की बात आप देख सकते हैं, 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, कॉल सेंटर, रिसर्च सेंटर और बीमा कंपनियों में की जाएगी। तो इनकी जो आयुष्मान मित्र है उनका नियुक्ति तो
सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, कॉल सेंटर, रिसर्च सेंटर और बीमा कंपनियों में भी दिया जाएगी। तो सरकार से कैसे मिलेगी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग? तो इसके लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देगी। चयनित हुए उम्मीदवारों को सरकार की ओर से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद इन लोगों को यह योजना लागू कराने का काम दिया जाएगा। कौशल विकास के एक अधिकारी के मुताबिक 20,000 शिष्य मित्रों को की भर्ती इस साल तक हो जाएगी। मालूम हो गया आयुष्मान भारत की योजना का मकसद हर गरीब परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराना है। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि आयुष्मान मित्रों के जिन सारे पदों पर लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियाँ होना जा रही है, जिसमें 12वीं पास ही लोग अप्लाई कर सकते हैं और उससे ज़्यादा वाले तो अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ। उस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कैसे ऑनलाइन करना है और इसको कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है दूसरे वीडियो में। दूसरे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें।